You are watching Spiral News. For more videos, subscribe our YouTube channel and get latest updates by clicking the bell icon. तुर्की के दारुल हुकूमत में वाके अमरीकी सफारत खाने पर नामालूम कार सवार फायरिंग करके फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक तुर्की में सफेद कार में सवार मुलजिमान ने अमरीकी सफारत खाने पर फायरिंग की। गोलियां अमरीकी सफारत खाने की चेक पोस्ट की खिड़की पर लगी। ताहम फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्क हुकाम के मुताबिक ये वाकया आज सुबह 5 बजे पेश आया, जब एक सफेद कार सफारत खाने के मरकजी दरवाजे पर आकर रुकी, जिसमे मौजूद मुसल्ला अफराद ने चेक पोस्ट को निशाना बनाया और फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वाज़ह रहे कि तुर्की में अमरीकी पादरी की नजरबंदी के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कुशीदगी अरूज पर है। अमरीका ने तुर्की पर इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसके जवाब में तुर्की ने अमरीकी मसनूआत के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। ताज़ा तरीन अपडेट, रिपोर्ट और दिलचस्प खबरों के लिए स्पाइडर न्यूज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।